सुरूपुर गांव जो कि पहले जमाने से ही जाना जाता है भट्टों के लिए बहुत। देखिए सुरूपुर गांव का ये। Hey guys, welcome to my YouTube channel, Kids Fun by Aradhya. I am Manoj Tomar. आज हम आ गए हैं बागपत जिले के एक बहुत ही बड़े गांव में जो काफी विकसित गांव है बागपत जिले का, सरूपुर कला। देखिए भाई सरूपुर गांव यहां से दिखाई आपको दे रहा होगा, ये देख सकते हैं सरूपुर गांव जो कि पहले जमाने से ही जाना जाता है भट्टों के लिए। बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्रिक फील्ड्स है, बहुत ज्यादा भट्टे हैं इस गांव में, तो दूर दूर तक फेमस है यहाँ के भट्टे। हाँ जी, यहाँ से ज्यादातर जो है यहाँ के भट्टों से दिल्ली ईंट ज्यादा सप्लाई होती है। हाँ जी, यहाँ पर बहुत काफी भट्टे हैं, अब थोड़े समाप्त की ओर है, पर्यावरण की वजह से बंद हो रही है, बहुत मिट्टी भी बहुत कम रह गई है। और ये जो ये गांव है हमारा, ये बहुत बड़ा गांव है ये, यहाँ पर ये कौन सा नंबर आता होगा इसका? ये हाँ बताऊँ, ये हमारा मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है, शिव मंदिर है एक, वहाँ पर मंदिर है दूसरा, और ये रोड है, ये 709B रोड है। हाँ। ये सुधा अक्षरधाम मंदिर से निकलकर यमुनोत्री जा रहा है सीधा। देखिए भाई ये पूरा गांव आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये देखिए सुरूपुर गांव अभी हम दिखा रहे हैं आपको, जो कि बागपत जिले का काफी बड़ा गांव है और काफी डेवलप भी है क्योंकि हाईवे पे ये गांव पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा मैं आपको जूम भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए 709B जो की दिल्ली सहारनपुर हाईवे है ये है, और इसी हाईवे के ऊपर जो एक रेस्टोरेंट बना है फूड कोस्टा, उस रेस्टोरेंट के टेरेस पे अभी हम खड़े हैं। यहाँ से आपको ये नजारा दिखा रहे हैं, देखिए पूरा सरूपुर गांव यहाँ से दिख रहा है, तो काफी डेवलप गांव है। ये शिव मंदिर सामने, और इधर ये जो दूसरा मंदिर है ये कौन सा? ये जैनी मंदिर है। ये जैन मंदिर है भाई, क्योंकि सरूपुर गांव में बहुत पहले समय से जैनी लोग काफी ज्यादा थे, जैन समाज के लोग काफी रहते थे, अभी भी रहते हैं, तो जैनियों का काफी बड़ा मंदिर बना हुआ है। तो ये देखिए भाई पूरा गांव यहाँ से आपको नजर आ रहा है, काफी बड़ा गांव ये है। एक टंकी भी आपको दिखाई दे रही है, ये सरूपुर गांव में जो टंकी लगी है भाई। यहाँ से रोड का जो नजारा है वो कितना अच्छा लग रहा है भाई, काफी ऊंचाई पे हम खड़े हैं अभी, और ये देखिए यहाँ से इस रेस्टोरेंट से आपको दिखाई दे रही है पूरी रोड, ये हाईवे है, और इधर देखो ये बड़ौद साइड में जा रहा है रास्ता, इधर जाते हैं बड़ौद, तो काफी अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे खड़े होके। और खासकर इस गांव को जो मैंने देखा है काफी, हम पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो तब से अब काफी डेवलप हो चुका है, जब से खासकर जब से ये हाईवे बन गया है तो इससे काफी डेवलपमेंट हुआ है इस गांव में भी, क्योंकि ये रोड पे ही है, सामने आशीष मेडिकल स्टोर है, ये आप देख सकते हैं भाई पूरा नजारा सरूपुर गाँव का भाई, ऊपर से नजारा बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए। देखो भाई ये है सरूपुर गांव का, ये मार्केट दिखा रहा हूँ, बहुत पुराना बाजार है सरूपुर गांव का। सरूपुर गांव में बहुत समय से, बहुत पुराने टाइम से बाजार है, क्योंकि यहाँ जैन समाज के लोग काफी हैं। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं बाजार में ही शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर भी आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे भोलेनाथ जी के, ये यहाँ की दुकानें भी देख सकते हो आप। ओम गोपाल, ओम नमः शिवाय, ये देखिए आप भोलेनाथ जी के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, शिवलिंग है। तो ये है भाई बाजार में बना हुआ है मंदिर है शिव। भाई काफी बड़ा बाजार है देखिए सुरूपुर गांव का, ये
मंदिर है पुराना मंदिर है भैया। और इस मंदिर के सामने देखिए ये धर्मशाला है, ठीक सामने धर्मशाला है ये। वही ये है हमारी बुआ सरूपुर गांव में टीवी के बहुत ज्यादा शौकीन। देखो पुराने जमाने का टीवी ले रही है छोटा सा।